जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी जो इससे मन में एक प्रश्न उठता है कि आप लोग का एडमिशन हो गया है और आप लोग कब जाना है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी जो प्रश्न है वो यही है कि एडमिशन कैसे कब जाना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज हैं वो 20 सितम्बर से स्टार्ट हो गई हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका 1 अक्टूबर से क्लासेज स्टार्ट हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अलग अलग कॉलेजेस में जैसे कहीं कहीं 5 अक्टूबर से तो कहीं कहीं 10 अक्टूबर से ऐसे कॉलेजेस स्टार्ट हैं। फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले अपने कॉलेज के विभाग में, जो आपका ऑफिस है जहाँ आपने एडमिशन लिया था, वहाँ पर आप जैसे संपर्क कर लीजिए, पता कर लीजिए कि सर हम लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। फिर आपको सही जानकारी वहीं से मिलेगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई। फ्रेंड्स अब आप लोग बात करेंगे कि सर वहाँ का हम तो नंबर नहीं ले पाए थे संस्था का, अब मुझे नंबर कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, जिसके थ्रू आप लोग अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल सर और जो आपका विभाग है ऑफिस उसका आप लोग नंबर वहाँ से पा सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि जैसे आप लोग का टाइम टेबल कैसे होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इसे मतलब टाइम टेबल क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं और बताने चाहूँगा। तो जी यहाँ पर चलिए, अब मैं आप सभी को टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जैसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पर एक टाइम टेबल करके शो हो रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइम टेबल 2021-22 और सेमेस्टर, यहाँ पर एक कुछ ऐसा इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रूम नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर, मतलब जो ये कॉलेज ये भाई इसे ये हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उनकी जो जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस कहाँ चलेंगी। तो आप सभी लोग को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो रूम नंबर है वो रूम नंबर 3 में, और ग्राउंड फ्लोर मतलब जो इसे ज़मीन वाला है मतलब रूम उसमें ही इसे चलेगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर। अब आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर इसे टाइम पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टाइम पीरियड कुछ ऐसा इंटरफेस आप सभी को शो हो रहा है कि जो टाइम पीरियड है मतलब इसे किस डे को कौन सी क्लास होगी, और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह अच्छे से यहाँ पर मेंशन ऐसे देखिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो टाइम पीरियड है आप सभी लोग यहाँ पर, अब भाई इसे देखो मन में एक सबसे बड़ी इसे प्रश्न उठता है कि सर जी इसे हमारी क्लासेस कब कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपका फर्स्ट क्लास है वो 10 बजे से देखिए 10 बजे से 10:50 तक है, कुछ ऐसा है आपका क्लास। और जो दूसरा क्लास है वो क्या है, 10:50 से 11:40 और 11:40 से 12:30, 12:30 से 1:20 और 1:20 से 1:40 तक आपका क्या है, ब्रेक है, मतलब जो आपका भाई होता है ना नाश्ता वगैरह करने के लिए आपको टाइम मिलता है वो दिया गया है। और फिर क्या है, 1:40 से 2:30 और 2:30 से 3:20, 3:20 से 4:10 और 4:10 से 5 बजे तक, मतलब आपकी जो क्लासेज कहीं ना कहीं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी क्लासेज जो है वो चलेगी। अब बात करते हैं कि किस डे की कौन सी क्लास चलेगी कई, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इसे देखिए मंडे यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए यहां पर ये लिखा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, मतलब 8 क्लास आपके मतलब पर डे चलेंगे जो कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं। अब बात किया जाता है कि इसे कैसे क्लासेज चलेंगे। तो देखिए यहां पर मंडे, सबसे पहले हम आपको जो मंडे को कौन सा क्लास होगा, देखिए अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है टाइम टेबल, कोई एक जैसा ही नहीं रहता। ये हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का है तो इसलिए मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चलेंगी। देखिए जैसे यहाँ पर मंडे को बताया जा रहा है कि आपका 10 बजे से लेकर और 1:20 तक, मतलब आपका जो फर्स्ट होता है ना जैसे भाई फर्स्ट शेड्यूल उसमें आपका केवल टीडी लैब मतलब ड्राइंग हॉल फर्स्ट, देखिए यहाँ पर ड्राइंग हॉल फर्स्ट है मेरे कॉलेज में, और यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग लैब जो है टेक्निकल ड्राइंग जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना होगा, जिसमें आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि लैब में इसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको टेक्निकल ड्राइंग की लाइव है, वही आपकी सबसे पहला क्लास मंडे को रहेगा जो कि 10 बजे से लेकर 1:20 तक होगा। अब बात करते हैं कि जो जैसे सेकंड शिफ्ट होगा उसमें कौन सी क्लासेज चलेंगी। तो 1:40 से लेकर देखिए 1:40 तक तो आपका ब्रेक रहेगा, उसके बाद में 1:40 से 2:30 तक आपका अप्लाइड केमिस्ट्री अनुप्रयुक्त रसायन जो कि रूम नंबर सेकंड में, देखिए आपकी जो क्लासेज हैं वो रूम नंबर 3 में चलेंगी ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन जो आपकी इसे केमिस्ट्री की जिसे क्लास है अप्लाइड केमिस्ट्री वो कहाँ चलेगा, तो रूम नंबर सेकंड में चलेगा, मतलब प्रोडक्शन में जहाँ तक हमारे हिसाब से देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मतलब अलग भी इसे मतलब चल सकता है आपको, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है। अब बात की जाए देखिए 2:30 से लेकर 3:20 तक जो आपका 6 नंबर पीरियड होगा, मतलब अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चलेगा जो कि रूम नंबर 2 में, मतलब ये भी आपका सेकंड में मतलब चलेगा रूम नंबर सेकंड में। अब बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो आपका नेक्स्ट आता है देखिए 3:20 से लेकर 4:10 तक जो आपकी क्लासेज चलेंगी, और 4:10 से लेकर 5 बजे तक, मतलब कहीं ना कहीं 3:20 से 5 बजे तक जो आपकी क्लासेज चलेंगी, मतलब दो क्लास एक में होगा, वो क्या होगा सी एस फर्स्ट लैब मतलब कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट लैब, मतलब आपको सारी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह मतलब कैसे बात करना है कैसे कम्युनिकेट करना है सारी चीज़ें आपको सीएस में आपको बताई जाएंगी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल में आपको बताया जाएगा, उसका यहाँ पर लैब रहेगा। अब फ्रेंड्स बात की जाए कि देखिए सीक्वेंस कैसे है, देखिए अब मंडे को आप लोग पढ़े तो उसमें क्या था टीडी था,
और अप्लाइड केमिस्ट्री था और अप्लाइड फिजिक्स था और कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन स्किल लैब था, इतना था। लेकिन फिर अब आप लोग देखिए कि मंडे तो अब देखिए ट्यूसडे आया, ट्यूसडे मतलब मंगलवार आया। अब मंगलवार को जो कि क्लासेस थी वो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गए, मतलब मंडे को आप ने ट्यूसडे को आपको अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, FCIT अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, TD लैब ड्राइंग हॉल फर्स्ट और केमिस्ट्री लैब ने अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, देखिए ऐसा कुछ एड्रेस आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए ट्यूसडे को सबसे पहले आपका 10 से 10:50 अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चलेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री चलेगा, FCIT चलेगा, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चलेगा, देखिए इतना ऐसे चलेगा। और फिर आपको क्या होगा जैसे ब्रेक हो जाएगा 1:20 से 1:40 तक, मतलब आपका ब्रेक रहता है कि आप वहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, अगर अपना टिफिन वगैरह लाएँ तो वो भी इसे खाना वगैरह भी खा सकते हैं, ऐसा रहता है। और देखिए यहाँ पर 1:40 से 2:30 और 2:30 से 3:20, मतलब कहीं ना कहीं TD का लैब आपका, जिसे देखिए मंडे को ट्यूसडे दोनों दिन आपका टेक्निकल ड्राइंग का जो लैब है वो दोनों दिन रहेगा, जो कि ट्राई हाल नंबर फर्स्ट में होगा कंप्यूटर साइंस वालों का। अब बात की जाए कि जो आपका यहाँ देखिए 3:20 से लेकर 5:00 तक अब क्या होगा तो अप्लाइड केमिस्ट्री का लैब होगा, मतलब लैब में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी केमिस्ट्री के बारे में, ऐसा कुछ सिक्वेंस यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी इसे यहाँ पर क्लासेज जो हैं वो कहीं ना कहीं तो ऐसे चेंज हो जा रहे हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट पर डे नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई कोई जैसे देखिए यहाँ पर क्लासेज वगैरह ऐसे शेड्यूल में एक जैसे बटा रहता है, जितने टाइमिंग दिया गया होगा उसी दिन केवल ये जिनका जिनका रहेगा केवल वही आएगा आपको पढ़ाने, ये नहीं कि इसे भाई आज मैथ चला तो कल भी मैथ चलेगा, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो तो पर डे नहीं चलता है, मतलब ये चेंज होता रहता है कि आज ये सब्जेक्ट है तो आज केवल यही चलेगा, आज जो सब्जेक्ट है आज केवल वही चलेगा, कुछ ऐसा यहाँ पर रहता है। फ्रेंड्स अब बात की जाए, देखिए आप लोग अगर वीडियो में अंत तक बने रहेगा तो आपको सारी जानकारी अच्छे से दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना क्या करना है, टाइम टेबल आपको सारी चीज़ें दिया जाएगा। अब देखिए आप दो दिन पढ़ लिए, फिर जो तीसरा दिन हुआ आपका वेडनेसडे में आपको क्या पढ़ना है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। अब देखिए मैथ आपको कहाँ मिला, वेडनेसडे पर, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार को आपको बुधवार को केवल मैथ मिला। फिर फर्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, मतलब आपके दो क्लास होगी, एक फर्स्ट क्लास और दो क्लास, मतलब दो क्लास शुरुआत का आपका मैथ का होगा, और जो तीसरी क्लास होगी क्या होगी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट होगा जिसका आपका थ्योरी होगा। और अगर बात की जाए जो कि चौथी क्लास है वो क्या है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसकी आपकी क्या है क्लासेज है, मतलब थ्योरी क्लास है। और जो आपका इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए आप लोग 1:40 से लेकर 5:00 तक, अब यहाँ पर आपका वर्कशॉप रहेगा, वर्कशॉप देखिए WP लिखा मतलब वर्कशॉप रहेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा, मतलब वर्कशॉप जो आपको इसे आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके कॉलेज में एक बहुत बड़ा देखे होंगे तो साइड में एक वर्कशॉप बना रहता है जिसे हम लोग हिंदी में कर्मशाला कहते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्या करना है, मटेरियल वगैरह रखा रहता है और कई तरीके के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर साफ वगैरह रहेगा, जिसमें आपको बहुत इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से, मतलब आप जो लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। अब बात की जाए कि वेडनेसडे के बाद जो थर्ड डे आता है उसमें क्या है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि थर्ड डे में बताया जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जो कि 10:00 से 10:50 तक है, और जो सेकंड क्लास आती है 10:50 से 11:40 वो है अप्लाइड केमिस्ट्री, और 11:40 से लेकर 1:20 तक आता है FCIT। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जब आप लोग ये सब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे तब। और अगर इसे सोच रहे हैं अब यहाँ पर देखिए 1:40 से लेकर 5:00 तक आपका यहाँ पर भी वर्कशॉप ही रहने वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो फ्राइडे आता है, फ्राइडे आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री है और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और CS कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, और इसके बाद FCIT लैब कंप्यूटर लैब। देखिए अब यहाँ पर कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब है उसमें FCIT का लैब होगा, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी लोग को यहाँ पर दिखा, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी लोग इसे देख पा रहे होंगे कि जैसे जो सैटरडे आया था, अब जैसे यहाँ पर सैटरडे आ गया, सैटरडे को जो आपको यहाँ पर सभी क्लासेस हो रहे हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री है सबसे पहले, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लैब, फिजिक्स लैब। देखिए फिजिक्स लैब आपके कॉलेज में बना होगा, वहाँ पर आप सभी का जैसे लैब होगा, मतलब लैब में आपको सारी चीज़ें जो आपका जो आपके जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेब जो 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 जैसे लैब है वो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी प्रैक्टिकली नॉलेज करा के। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जो ये CA लिखा है ये क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, मतलब आप लोग अपने कॉलेज में अपने सीनियर के साथ और सभी स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं और सारी चीज़ें, मतलब आप सभी की जो एक्टिविटी है वो आपका जो HOD होते हैं सर वही उन्हीं का ऐसे रहता है, CA मतलब वही आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर CA जो है आपका, और इसमें आपको सारी चीज़ें मतलब बताएंगे कॉलेज के बारे में कैसे रहना है क्या करना है, सारी चीज़ आपको एक एक करके बताई जाएंगी। ये आपका जो है वो 3:20 से लेकर 5:00 तक चलेगा, मतलब दो क्लासेज ये आपका रहेगा सैटरडे को CA का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए कि कौन कौन सर आपको इसे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए नेम ऑफ लेक्चरर एंड सब्जेक्ट, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है लेकिन मैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से नंबर को यहाँ पर हाइड कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो देखिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है वो यहाँ पर कोई अखिलेश दुबे सर हैं जो कि लेक्चरर हैं वो आपको पढ़ाएंगे,
फिर अगर बात की जाए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है वो आपको कौन पढ़ाएंगे, तो मिस्टर अभिषेक सिंह जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्लास टीचर भी हैं। यहाँ पर ऐसा करके कुछ इंटरफेस शो हो रहा है। अब बात की जाए कि जो तीसरा आता है वो क्या आता है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो कि डॉक्टर एस के वर्मा जो आपको सर जिसे पढ़ाएंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और अगर बात की जाए जो चौथे सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, वो आपको कौन पढ़ाएंगे, तो डॉक्टर ए एन केसरी जो कि एक नए सर आए हैं जो कि बहुत अच्छे भाई, देखिए हम लोग उनको खुद ही से बात किए हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। जब आप लोग देखिए, अब आपके कॉलेज में टीचर अलग हो सकते हैं लेकिन सारा सीक्वेंस जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब बात की जाए कि जो टेक्निकल ड्राइंग टी डी है वो आपको कौन पढ़ाएंगे, तो अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सर जो हैं वो आपको टी डी पढ़ाएंगे। अब बात की जाए कि जो एफ सी आई टी है, एफ सी आई टी कौन पढ़ाएंगे, तो मिस्टर आर्यन दुबे, मतलब राज नारायण दुबे सर हैं जो कि पहले प्रिंसिपल थे लेकिन इस समय नए प्रिंसिपल आए हैं, तो इसलिए सर जिससे यहाँ से प्रिंसिपल पद से हटकर एक लेक्चरर हो गए हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेक्चर एच ओ डी हो गए हैं। अब बात की जाए कि जो डब्ल्यू पी है वर्कशॉप, जो डब्ल्यू टी है वर्कशॉप कौन नहीं डब्ल्यू पी है वर्कशॉप वो कौन पढ़ाएंगे, तो आप सभी को बताना चाहूँगा मिस्टर गिरीश कुमार जो कि गिरीश सर हैं काफ़ी अच्छे हैं जो कि यहाँ पर बहुत दिनों से इस वर्कशॉप की क्लासेस ले रहे हैं, वही आपको वर्कशॉप की क्लासेस पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, मतलब आपको देखिए किसी कारण बस अगर आप लोग नहीं आ पा रहे या कुछ कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने टीचर से जिसे बहुत अर्जेंट हो तो आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर नंबर हाइड कर दूँगा ताकि आप लोग इसका मिसयूज ना करें। फ्रेंड्स तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स देखिए आप सभी लोगों को मन में जैसे डाउट है कि सर हमें कॉलेज कब जाना है, तो आप सभी लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जैसे वीडियो मिलेगा उसके थ्रू आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से नंबर निकालिएगा और वहाँ पर पता कीजिएगा कि सर हम लोग जैसे क्लासेस लेने के लिए कब से कब तक आएँ। देखिए हर एक जगह जहाँ कहीं ना कहीं बी टी पी बोर्ड के थ्रू एक से मतलब 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जहाँ तक क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फ्रेंड्स हमारे तरफ से तो यही रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स उसके बावजूद अगर आप लोग अपने कॉलेज में पता कीजिए फिर जैसा हो वैसा आप लोग जाइए, और आप लोग का टाइम टेबल कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि अलग अलग कॉलेज का अलग हो सकता है, तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बावजूद अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग के मन में अगर कोई डाउट रहता है फिर कोई सवाल रहता है तो आप लोग हमें एक बार कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है छोटी सी जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को इसी तरीके की हर एक छोटी से छोटी अपडेट मिलती रहे। तो जी फिर चलिए हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।